तो विनोद भाई ये हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा इसी की बात कर रहे थे। रॉयल एराडो में। रॉयल एराडो ओके ठीक है। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया दुकान है। और अब उधर का जो चलो ओनर है, जब उनसे मिलोगे अरविंद, बहुत ही बढ़िया बंदा है। आप अच्छा अरविंद जो आप नाम बता रहे थे, आप इनसे मिलो। चलो इनसे सामने ये ऑनर यही। हाय अरविंद भाई। हेलो अरविंद भाई, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। आप बताइए कैसे? बस बड़ा नाम सुना था आपकी दुकान का। हाँ जी, तो सोचा मिलने ही चले। चलो तो अर्जुन भाई कुछ बताओगे आपकी क्या स्पेशलिटीज वगैरह हैं, तो कुछ बात करें इस बारे में। हाँ जी, हाँ जी, आइए। चलो अर्जुन आओ, मिलकर बात करते हैं। दोस्तों आज हम पहुंच गए करोल बाग। करोल बाग में रॉयल एराडो के शोरूम में हमारे साथ हैं शॉप के ऑनर। क्या नाम आपका? अर्पित चावला। अच्छा अर्पित जी, कितना टाइम हो गया आपको शॉप पे? मतलब कब से यहाँ पर आपने शॉप खोला? ये 1950 से मेरी शॉप है, मेरे दादाजी के टाइम से। 50? हाँ, तो मेरे दादाजी करते थे पहले ये बिजनेस, फिर मेरे पापा करते थे, अब मेरा भाई और मैं दोनों। अच्छा कैसा रेस्पॉन्स आता है यहाँ पे लोगों का आपकी शॉप पर? हमारा ज़्यादातर होलसेल का बिजनेस है, हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। हमारे अलॉयज बनते हैं रॉयल एराडो के नाम से। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। सारी हमारी वेबसाइट भी है रॉयल एनफील्ड जोन के नाम से, जो मतलब काफ़ी फेमस है, सारे लोग जानते हैं उसे। गूगल पे सर्च करो तो सबसे आगे उसी का ही नाम। खैर लोगों की भीड़ देख के तो लग ही रहा है कि काफ़ी पुरानी शॉप है और काफ़ी लोग मतलब यहाँ आते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक होता है कि मुझे यहीं से काम करवाना है। ऐसा कुछ क्या स्पेशलाइजेशन है आपका यहाँ पर कि मतलब लोग आपके पास आएं? हमारे पास सारी तरह की वैरायटी है, हर चीज़ रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रॉयल एनफील्ड के लिए हमारे पास ना मिले। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ बाकी जितने भी बाकी शॉप्स हैं सभी पर एनफील्ड और मोस्टली बाइक्स की और भी महंगी बाइक के यहाँ लोग रखते हैं, लेकिन मतलब क्या फ़र्क है आप में और उनमें? फ़र्क ये है कि एक तो यहाँ के जो लोग हैं प्राइसेस इतने हाई देते हैं और कस्टमर को पहले ज़्यादा बोलेंगे फिर बार्गेनिंग करेंगे। हमारे यहाँ सिंपल एंड स्ट्रेट वे है कि हम एक ही प्राइस देते हैं, होलसेल प्राइस होगा और हमारा वो पूरी मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, उस चीज़ की गारंटी है और इस वजह से सारे कस्टमर्स हमारे पास ही आते हैं। अच्छा अर्पित जी, एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं भी बड़ा शौकीन हूँ बुलेट का। लोग आजकल साइलेंसर जो बेसिकली कह सकते हैं कि चालान भी होता है चेंज करने पर, जिनकी आवाज़ काफ़ी ब्लास्ट होती है, मतलब आपके यहाँ जब लोग आते हैं तो आप उनको क्या सोल्यूशन देते हैं? मतलब आप भी साइलेंसर रखते हो? हाँ जी, हाँ जी, सारे तरह के साइलेंसर मिल जाएंगे हमारे पास। 550 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक के साइलेंसर हैं। लेकिन कहीं आपको लगता है कि साइलेंसर गाड़ी के हाँ करते हैं? जैसे पंजाब साइलेंसर जो आता है वो इंजन पे इम्पैक्ट डालता है और हम अपने कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं कि पंजाब साइलेंसर लगवाएं, इससे इंजन के पे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके। तो पंजाब के अलावा जो बाकी साइलेंसर होते हैं, फिर डॉल्फिन हो गया, रूस्टर हो गया, मतलब काफ़ी सारे और साइलेंसर आते हैं, जैसे रेड रूस्टर हो गया, डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया, मोटोटार कंपनी के एग्जॉस्ट हैं। आप ऐसे साइलेंसर लगाइए, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, थम्पिंग साउंड आती है और ये गाड़ी के साथ हाँ ये इंजन पे इम्पैक्ट नहीं डालता। और एक इंदौरी साइलेंसर है वो बहुत काफ़ी अच्छा चलता है, उसके अंदर फिल्टर होते हैं अंदर और आपको ओल्ड बुलेट जैसी आवाज़ मिलेगी जो काफ़ी कस्टमर्स मांगते हैं। सब ज़्यादा शॉपिंग बेसिकली उसी के हाँ हाँ जी। अच्छा अलॉय व्हील बड़ा फैशन है, लोग बड़ा मतलब सर्च करते हैं कि अपनी बाइक में कैसे अलॉय व्हील हम यूज़ करें। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ऑरिजिनल जो कंपनी जो अलॉय व्हील है जो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या ज़्यादा बेटर है? हम नए वाले जैसे आपके यहाँ भी काफ़ी सारे अलॉय व्हील्स यहाँ हैं काफ़ी हैवी, तो हम ये हमें यूज़ करना चाहिए कंपनी जो हमें देती है? देखिए क्लियरली मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो अलॉय व्हील रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में अलॉय बेंड हो जाता है। और अगर आप वैसे देखे जाए कि अगर आप नॉर्मल सिटी राइडिंग करते हैं तो अलॉय व्हील से बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका टायर पंचर हो रहा है
तो आप उसके अंदर ट्यूबलेस टायर लगे हुए होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी चलाने में, तो अलॉय व्हील इसलिए बेटर है। अलॉय व्हील का जो स्टार्टिंग प्राइस है कहाँ से स्टार्ट होगा, कितने महंगे तक ही जाते हैं? तो हमारे पास सारा होलसेल प्राइस जो है 5200 से स्टार्ट होता है, जो टू स्पोक और थ्री स्पोक डिज़ाइन आते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं हार्ले डिज़ाइन, वो आते हैं आपके 5500 की रेंज से स्टार्ट होते हैं और 6500 तक जाते हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है पब्लिक की इस तरह के, वो लोग देखिए हर एक अलग अलग डिमांड है, जैसे अब स्टैंडर्ड में है तो डायमंड डिज़ाइन बहुत चलता है, और अगर क्लासिक देखी जाए उसके अंदर हार्ले डिज़ाइन ज़्यादा चलते हैं, तो हर एक बाइक के हिसाब से अलग अलग डिमांड है। अच्छा अंकित जी, मैंने देखा है लोग लद्दाख के, लोग लद्दाख के बड़े क्रेजी होते हैं ऑफ-रोडिंग में, तो मतलब जब वो जाते हैं तो मतलब क्या चीज़ें होती हैं कि उनको लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है? सर बाइक पर सफ़र करते हैं तो पीछे काफ़ी बड़ा सा भारी सा वो लगेज वगैरह लेके, लद्दाख कैरियर लगता है वो एक, जो अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग प्राइस का है, क्लासिक के लिए और वो सारा कुछ हमारे पास स्टॉक में होता है, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, या हमें कहीं और से आपको ये नहीं है कि हम आपको कहीं और से खरीद के लेके दे रहे हैं, हम डायरेक्ट विंटर से उठाते हैं और आपको डायरेक्ट ही देंगे। हाँ जी, और प्लस इसके अंदर टैंक बैग्स आते हैं जो लद्दाख में यूज होते हैं, और हैंगिंग बैग्स होते हैं बंजी कॉर्ड जो गई, वो सारा कुछ हमारे पास मिल जाएगा। लोग कई लोग अपने टैंक्स बड़े भी करवाते हैं, क्योंकि बुलेट का टैंक जो है 18 लीटर के आसपास होता है, 16-18 लीटर के आसपास, तो हम 22 लीटर के टैंक्स हो गए, 30 लीटर के टैंक्स भी बना के कस्टमर्स को देते हैं, वो अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग प्राइस है अलग अलग मॉडल के हिसाब से। और भी क्या क्या एसेसरीज है आपको? चलो मैं आपको लाइट सिखाता हूँ सारी जो हमारे पास। ये लाइट है 1950 की एक हेड लाइट है, और जो आपको मार्केट में 2500 की आसपास की मिलेगी। ओके, तो इसकी पावर काफ़ी अच्छी है, ये जला के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी ऐसे ट्रिप पे हो तो जहाँ आपको ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए इस तरह की कुछ लाइटिंग है जो आपको दिखाना है। इसके अंदर दो वेरिएंट है, एक फुल रिंग है एक हाफ रिंग है। रिंग का क्या मीनिंग होता है लाइट के अंदर? ये रिंग है, ये येलो रिंग जो है ये येलो भी जलेगा और वाइट भी जलेगा। अच्छा अच्छा, इसके अंदर दो फंक्शन है। उसके बाद इसका एक सेम ऐसी एक हेडलाइट जो हाफ रिंग है वो ये है। अच्छा, इसमें हाफ है जस्ट रिंग? हाँ, इसके अंदर आपके इंडिकेटर्स भी वर्क करेंगे। ओके, ये एक इंडिकेटर हो गया राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर। तो ये हमारे इंडिकेटर के साथ ये भी क्लिक करेंगे? हाँ जी। ओके, तो बेसिकली एक स्टाइलिश हो गया। हाँ, उसके बाद इसके अंदर इसका रेंज इधर भैया पीछे पानी भी सही है, काफ़ी इसकी अच्छी लाइट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, सबसे पावरफुल लाइट यही है। उसके बाद अगर आप थोड़ी कम रेंज में जाना चाहते हैं, उसके अंदर ये 70 वॉट की लाइट थी जो मैंने आपको अभी दिखाई है। ओके, अब ये है 35 वॉट की है, इसका प्राइस है 950 रुपीज़। अब अगर आप लो रेंज में जाना चाहते हैं और थोड़ी पावर आपको थोड़ी कम चाहिए तो आप ये वाली देख सकते हैं। तो सेम ऑरेंज रिंग आएगा, इसकी रिंग की क्वालिटी और उसकी रिंग की क्वालिटी में आपको फ़र्क दिखेगा, वो जो मैं 1950 वाली थी और ये जो सस्ती वाली है, इसके अंदर रेड लाइट जलती है। तो ये मल्टी कलर हो गया। हाँ जी, इसके अंदर इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है हाफ रिंग वाला। इंडिकेटर्स का ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही लाइट में मिलेगा, इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये किस रेंज में होती है लाइट? ये 1050 की लाइट है, ये जो आपको मार्केट में 1500 की लाइट मिलेगी, ये हमारे पास आपको 1050 की मिलेगी। तो भैया कैसा लगा यहाँ पे? ओके, काम बढ़िया, सर्विस ओके देते हैं। मतलब कि बाकी जगह से यहाँ पे कुछ अलग है? भाई की जो है ना,
बाइक कौन सी है? अच्छा क्या क्या करवाया आपने? सर मैंने सिलेंडर चेंज कराया है और जो है कि रोक लगवाए बहुत सारे काम करा है बच्चे लगवाए हैं। अच्छा ओके तो मतलब यहाँ काम करवाओ खुश बेहतरीन। तो आपके यहाँ बाइक की सर्विसिंग कर रहे हैं? बाइक की सर्विस नहीं, मैं तो सर्विस से ज़्यादा इसमें इंजन ही गाड़ी का खुलवाने आया हूँ। ओके ओके कुछ प्रॉब्लम हो गया आपकी गाड़ी में? हाँ थोड़ा सा उसमें पिस्टन की प्रॉब्लम। किसके पास काम करवाना है? संजय के या किसी और? नहीं नहीं है, संजय के यहाँ पे आते हैं। बहुत भरोसेमंद व्यक्ति है और बहुत अच्छा करता है, काम इसका बहुत अच्छा है। आपने पहले भी यहाँ काम करवाया? हाँ जी पहले भी करवाया और मैंने शोरूम से भी इंजन नहीं खुलवाया, संजय भाई से खुलवाया कि इनका काम बहुत अच्छा है, शोरूम से भी ज़्यादा मुझे विश्वास इनके काम पे है। प्रॉब्लम तो देखो एक मैकेनिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। नहीं यहाँ इनके पास कोई चीटिंग नहीं है, बहुत ईमानदार से काम करता है। नहीं हाँ वो उसमें बहुत ये ऐसी जगह बेचता है जहाँ हमको काफी डिस्काउंट मिल जाता है तो वहाँ हम लोग गाड़ी को ठीक करना है कैसे नहीं करूँगी तो वो जज्बा है, तो एक शौक होता है एक आदमी पैसे की कमाता है एक होता है पैशन शौक है, तो इनके पास पैशन वाला जो काम करता है व्यक्ति वो काम हमेशा अच्छा ही करेगा। दस में से मैं इनको नौ दूंगा। नौ दोगे? एक तो भी बचाई लिया, इसलिए कि कई बार वो कुछ करेक्शन होता है फिर दोबारा भी आना पड़ जाता है। बिल्कुल क्योंकि गाड़ी है वो कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी में तो कोई ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने कितना भी आदमी ठीक कर ले पर फिर भी गाड़ी तो अपने हिसाब से चलती है। बिल्कुल तो कोई ना कोई डिफेक्ट तो दोबारा वो फिर वो करेक्ट कर देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों आज करोल बाग के शोरूम में मुलाकात की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना और सुनो घंटा जरूर दबाना मंदिर का नहीं चैनल का, और शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को। आई अपडेट और भी आपको करेंगे इसी तरीके की वीडियोज़ देखेंगे और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय।